नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रश्मि पांडे और आप देख रही हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। देश विदेश से खेल मनोरंजन और राजनीति जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। प्रदेश सरकार की घोषणाओं का पिटारा व दावों का झुंझुना, सीएम योगी के आदेश और अफसरों की लीपापोती, प्रदेश में हर मजदूर को मिल रही सरकारी मदद, लेकिन साहब दावों से उलट है जमीनी हकीकत। यूपी के झांसी जिले से जो तस्वीरें सामने आई हैं वह वाकई आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि प्रदेश की सरकार ने बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े दावे किए हैं, जिसमें एक दावा प्रवासी मजदूरों को लेकर है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम आपको प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस दावे के बारे में बताएंगे जो उन्होंने पहला दावा प्रवासी मजदूरों के लिए किया था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यह कह रही हैं कि उनकी सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए कार्य कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजदूरों के लिए चिंतित नहीं है। मजदूरों की मदद के लिए अफसरों को लगातार दिशा निर्देश दे रही है, लेकिन अफसरशाही सीएम योगी के निर्देशों को किस तरह ताक पर रख रहे हैं, इसका अंदाजा झांसी में विभिन्न मार्गों से पैदल और वाहनों से निकल रही प्रवासी मजदूरों से लगाया जा सकता है। यूपी के झांसी जिले में हंगामा कर रहे और पैदल निकल रहे मजदूरों को झांसी पुलिस ने रोक दिया और बसों का इंतजाम कराने का जुमला भी दे दिया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी झांसी पुलिस ने बसों का इंतजाम नहीं किया तो मजदूरों के सब्र ने जवाब दे दिया और मजदूरों ने सड़क पर ही जमकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। जब बसों का इंतजाम ना हो सका तो प्रशासन ने मजदूरों को पैदल और किसी को वाहनों से ही मजदूरों को अपने ही हाल पर छोड़ दिया। अरे वो कोई दिक्कत